हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, मेरे पास ये कुछ मिठाई थी और ये ज़्यादा नरम होने के कारण, ताजी होने के कारण, देखिए इसका क्या हाल हो गया। देखिए, सारी इकट्ठी एक गुच्छा सा हो गया है और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको दोबारा से सही कर लूँ। और मैंने इस मिठाई को, ये कहीं से आई थी शादी में से, मैंने इस मिठाई को और मिठाई में से अलग कर लिया और अब देखिए मैं इसको कैसे फिर से अच्छी से तैयार करती हूँ। मैंने एक पैन को लो फ्लेम पे हल्का हल्का गर्म करने के लिए इस तरह गैस पे रख लिया और ये सारी मिठाई उसमें डाल दी। अब ये सारी मिठाई दोबारा से बिल्कुल पिघल कर नरम हो जाएगी। देखो, आप बर्तन को बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा गर्म होने के लिए रखना है। ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये सारी इसके नीचे लग जाएगी और जल जाएगी, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर हल्का हल्का गर्म करेंगे और सारी मिठाई को इस एक पलटे या चम्मच के साथ ऐसे तोड़ देंगे, इस तरह से दबा दबा के। इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसको अच्छे अच्छे से दबा दबा के मैं सारी को बिल्कुल अच्छे से पिघला लेना है। इस तरह से दबाते दबाते हुए ध्यान रखें कि नीचे न चिपक जाए। ये देखिए हमारी सारी मिठाई पिघल गई है। इस तरह से देखिए फिर से इसका ये लिक्विड सा हो गया है, नरम नरम सा। अब हमें क्या करना, गैस को कर देना है बंद और इसको ऐसे ही गरम गरम को किसी बर्तन में, ट्रे वगैरह में निकाल लेना है और उस बर्तन में पहले से थोड़ा सा तेल या घी, थोड़ा कुछ जो भी आप चाहें लगा लेना है चिकना। देखिए मैंने सारी को इस ट्रे में निकाल लिया है जिसमें मैंने पहले से थोड़ा सा चिकना लगा दिया था घी, और इसमें इसको सारी को अच्छे से फैला देना। या तो आप इसको 10-5 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें, या इसको अब ठंड है बाहर छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए, ये फिर से बिल्कुल टाइट हो जाएगा और आप फिर से इसको किसी चक्कू की सहायता से जिस भी शेप में चाहें इसको काट सकते हैं और ये फिर से आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, 10-15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये हमारा मिश्रण जम गया है और अब मैं चक्कू की सहायता से इसको आप जो भी चाहें जिस तरह से शेप दें उस तरह की शेप में इनको काट सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारी बर्फियाँ अब दोबारा से बिल्कुल नए लुक के साथ तैयार हो गई है। इनको धीरे धीरे से ऐसे काट लेंगे। आप चाहे तो चकोर, गोल, जो भी आपका मन चाहे, जिस भी शेप में आप काटना चाहें इनको काट सकते हैं। मैंने ये सिल्वर पेपर था मेरे पास, ये मैंने इस पर लगा दिया है। आप चाहे तो इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह लगा सकते हैं जिससे आपकी मिठाई दोबारा से अच्छी तरह तैयार हो जाए और नए लुक के साथ। ये देखिए हमारी बर्फियाँ अब नए लुक के साथ तैयार हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, किसी वजह से आपकी भी मिठाई ऐसे खराब हो जाती है, तो आप भी उसको दोबारा से तैयार कर सकते हैं।
देखिए फ्रेंड, हमारी बर्फियाँ दोबारा से एक नए लुक के साथ तैयार हो गई है। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता तो घबराएं नहीं, जैसे मैंने किया है इनको आप दोबारा से तैयार कर सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।